क्या हुआ किस स्टैम्प बनाई We have to discuss it is possible to organize this big event in Mahavir Swami expedition. I would also like to thank you. हाय तो उस पिन्हा से तेरी तारीख रातों में उजाला करके छोड़ूंगा। बहुत ही खूबसूरत लम्हा एग्जीबिशन कैशबैक 2023। जैसा कि आपको बताया गया अभी ज्यादातर लोगों ने पोस्ट ऑफिस जाना छोड़ दिया है। बहुत अच्छी चीज है क्योंकि पोस्ट ऑफिस अब डिजिटाइज हो गया है और हम बहुत सारी चीजें डिजिटाइज करने के साथ में ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो आप घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मोहम्मद हसीब हूँ, मैं रिलीजन स्कूल से हूँ और मैं असली में यहाँ पे आया था ये क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस आईसीसी और मैंने यहाँ पे जो स्टैम्प्स वगैरह देखी मुझे असली में खुद स्टैम्प्स कलेक्शन मतलब मेरे घर पे भी मैंने बहुत सारी स्टैम्प कलेक्शन किए मगर यहाँ पे जो मैंने ये स्टैम्प्स वगैरह देखी मैंने अपने पूरी लाइफ में मतलब ऐसी स्टैम्प्स वगैरह नहीं देखी और इससे मतलब अगर बच्चों को मतलब इससे अगर मतलब कब ये किस डेट में मतलब किस महाराजा ने मतलब ये इससे बच्चों को बहुत नॉलेज मिल सकती है। My name is Jonathan Yusuf and I'm from Srinagar International School. Today we came here, that's called SKIC postcard, and here we see a lot of art, culture, heritage, and मुझे यहाँ आके बहुत सारी knowledge मिली, like इधर पे बहुत सारे स्टैम्प्स है, बहुत कुछ है इधर पे, मतलब इधर पे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मतलब हर किसी जगह पे ऐसे पोस्ट कार्ड्स होने चाहिए जहाँ पे हमें नॉलेज मिले, जहाँ पे बच्चों को नॉलेज मिले। तो मेरा ये व्यू है कि जब मैं इधर पे आई मुझे लगा कि ऐसे हर किसी जगह पे होना चाहिए। आज स्टेट लेवल फ्लैगशिप एग्जीबिशन का आयोजन कैशबैक्स के नाम से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया है जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्किल एंड दिस इज एन एक्सरसाइज टू गिव मोर एंड मोर पब्लिसिटी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द यंग चिल्ड्रन अबाउट द पोस्टल स्टैम्प्स एंड यू नो इट इज हॉबी ऑफ किंग्स एंड किंग ऑफ हॉबीज सो थ्रू डिफरेंट स्टैम्प्स चिल्ड्रन विल गेट टू नो अबाउट फ्लोरा फौना अबाउट कल्चर spices and so many other things so I request all parents all school principals that they should send their boards their students for this exhibition so that children will imbibe this beautiful hobby and it is very economical also one piece of stamp and you will come to know this particular place is famous for what reason like we have released one special cover on renovated Lal Chowk Ghantaghar it will go to different nook and corner in country and people will come to know about this new development I'm professor Simi Rubab hai aur main NIT Srinagar mein physics padhati hu to ye bataiye kya hai ji कश्मीर में थोड़ा डाक टिकटों के बारे में लोग कम जानते हैं 2011 में भी यहाँ नुमाइश लगी थी और उसके बाद फिर इस साल लगी है जो इतनी बड़ी नुमाइश है तो जो लोग डाक टिकट जमा करते हैं उनको फिलेटलिस्ट बोलते हैं और वो लोग कंपटीशन में या तो एज ए इनवाइटेड लगाते हैं या फिर कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं इनाम जीतते हैं और इसमें क्या होता है कि मैं 5 साल की उम्र से जमा कर रही हूँ टिकटें
और मतलब मेरी कुछ कुछ बहुत रेयर स्टैम्प्स है, कोई इसके लिए मुझे हजारों लाखों रुपया भी ऑफर करे तो मैं ये नहीं दूंगी किसी अगले 3 दिन के लिए। जो एक फ्लेटली जो होता है जिसे हम कहते हैं हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, उसके ऊपर ये एग्जीबिशन किया गया रखा गया है। लगभग 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टैम्प्स जो रेयर स्टैम्प्स हैं, कुछ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स हैं, उनको यहाँ डिस्प्ले पे रखा गया है। इसमें काफ़ी सारे हमारे लोकल पार्टिसिपेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, जो स्टैम्प कलेक्टिंग या फ्लेट जिनकी हॉबी है वो सारे यहाँ पे SKICC में डिस्प्ले अगले 3 दिन के लिए होगा। बहुत ही मुझे लगता है बड़ा यूनिक प्रोग्राम है, अक्सर हमारे यहाँ इतने ज़्यादा इस तरीके के प्रोग्राम्स एग्जीबिशंस नहीं दिखते हैं। वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो इंडिया पोस्ट और हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल J&K सर्कल हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसी के साथ आज इंडिया पोस्ट की तरफ से एक स्पेशल कवर रिलीज़ किया गया है, जिसमें जो रिवैम्प्ड नया घंटाघर है, इस घंटाघर को लेके एक नया पोस्ट इंडिया पोस्ट की तरफ से आज एक कवर रिलीज़ किया गया है। वो भी एक अपने आप में एक तवारीख का कदम है, तवारीख की चीज़ है। एक कहते हैं ना कि किसी वक्त को जो कहते हैं कैद करने की बात, ये वैसी बात होती है। यू कैप्चर दैट मोमेंट ऑफ टाइम एंड मेक इट इमॉर्टल इन हिस्ट्री, इस तरीके से उसका भी आज रिलीज़ जो दैट कवर वाज आल्सो रिलीज टुडे। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को पता भी नहीं होता है स्टैम्प क्या होती है, और पूरा एक चिट्ठी का क्या सिस्टम होता था या अभी भी मेल का क्या सिस्टम है। सो जो स्टैम्प कलेक्शन का एक जो हॉबी है, एक कहते हैं ना कि वो बादशाहों का शौक होता था, इट वॉज अ हॉबी ऑफ किंग्स। सो ऐसे एग्जीबिशन से उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है। फिर इन स्टैम्प्स को जब रिलीज़ किया जाता है, चाहे इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस में हुए थे, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हुए थे, फिर पोस्ट जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में जो स्टैम्प्स रिलीज हुए हैं, ऑल दोज दे कैप्चर अ यूनिक ट्रैजेक्ट्री एंड यूनिक हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को, फ्रीडम फाइटर्स को इसमें जो है कमेमोरेट किया जाता है, उनके ऊपर स्टैम्प्स रिलीज की जाती हैं। इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल प्लेसेस, जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ से पहले कवर कुछ ट्यूलिप गार्डन के ऊपर भी रिलीज़ किए गए हैं। यहाँ कश्मीर या जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ उनके नाम से भी स्टैम्प्स जारी हुई हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी हांगुल के ऊपर भी स्टैम्प्स रिलीज़ हुई हैं। सो इन एग्जीबिशन के ज़रिए से एक ग्लिम्प्स मिलता है, एक मौका मिलता है उस हिस्ट्री को फिर से दोबारा देखने का, दोबारा महसूस करने का।